उपन्यासकार जसवंत कमल को पद विभूषण दिलाने के लिए पीएम मोदी से कर दी सिफारिश। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी ले सकती हैं राजनीति में एंट्री, कांग्रेस में होंगी शामिल। पत्रकार शुजादा बुखारी के हत्यारों की हुई पहचान, पाकिस्तान से जुड़े तार। तृणमूल के शुभेंदु शेखर रॉय हो सकते हैं उपसभापति पद के लिए विपक्ष के साझा प्रत्याशी। कर्नाटक में संकट में कुमार स्वामी सरकार, श्रद्धा रम्या से मिलने पहुंचे 9 विधायक। दिल्ली पुलिस के हाथ चढ़े अवैध हथियार का रैकेट चलाने वाले आरोपी। आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर साधा हमला, कहा जो लोग शराब के शौकीन हैं उन्हें शराब से पैसे कमाने के बारे में सोचता है। केंद्र सरकार ने शुरू की UGC को खत्म करने की प्रक्रिया, नया मसौदा तैयार। आलिया से रिलेशन पर रणवीर बोले हम इसे रियलिटी शो नहीं बनाना चाहते। ब्रेस्ट फीड कवर विवाद पर दिव्यांका ने बताया वुमेन ब्रेस्ट के सही मायने। बालकनी पर जमकर थिरकी श्रीदेवी की बेटी झिटांग के लिए बोल्ड हुई जाह्नवी कपूर। कैंसर पर बोली मनीषा कोरेला, में नरगिस के दर्द को समझ सकती हूँ।